नहीं है भाई। फॉलो करते आ रहे हैं भाई, ट्रॉफी है ये भाई। अरे रुको रुको भाई, गॉडल से हम आपको फॉलो करते आ रहे हैं भाई, गॉडल से फॉलो करते आ रहे हैं भाई, भाई पक्का भाई, वो कोशिश पूरी रहेगी, जान पूरी लगा दे भाई। स्काउट स्काउट इज मैन ऑफ हिज वर्ड दो भाई। ओ भाई पक्का, नहीं ये एक ट्रॉफी लाके दोगे भाई, मैं एक कम्युनिटी को एक ट्रॉफी लाके दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मैंने स्टार्टिंग में किया था, वो एंड भी मैं ही करूंगा। अच्छा रुको रुको देख लेते हैं, रुको, जितने भी लोगों ने मोस्टली मतलब जिन्होंने ई-स्पोर्ट्स खेलना शुरू करा है भाई, सब ने लाइफ में एक बार मतलब ऐसा मोस्टली मतलब 50% से ज्यादा लोग स्काउट को देख के जा रहे हैं उसको खेलने के लिए। हाँ ये तो है भाई, सीखा स्काउट को देख कर जा रहे हो, ये बात तो सच है, सीखा जा रहा था स्काउट से, लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर रखी है, बहुत सारी चीजें, फिर भी वो गिव अप नहीं करता, तो वो डेडिकेशन। ये तो है भाई, भाई स्काउट की डेडिकेशन मैंने स्टार्टिंग से बोला भाई, दिस गाय हैज अ इनसेन डेडिकेशन फॉर द गेम भाई, मैड रिस्पेक्ट फॉर स्काउट, मैड रिस्पेक्ट, बिकॉज़ जो डेडिकेशन आप लेकर आते हो उतना उतना डेडिकेटेड प्लेयर कोई इस सर्किट में, इंडियन सर्किट में नहीं यार। सेम पोस्ट बताता, ये मोमेंट भाई, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, मैंने स्काउट को मैसेज किया बहुत बार, दिस इज द मोमेंट, ये नहीं, ये मोमेंट जो भी आएगा तो देखना, ये तो भाई यहाँ तो सब, यहाँ हर कोई रोया था यहाँ भाई, अगर तुम रोए नहीं होगे यहाँ तुम स्काउट फैन कहलाने लायक नहीं, अगर तुम यहाँ रोए नहीं थे तो। इस मोमेंट ने आंखों में आंसू ला दिए थे भाई, कि मतलब यार क्या हो गया भाई। और ये एंट्री मतलब ये वो एंट्री थी गूज बम्स वाली, कि भाई ये होता तो लगता कि हाँ इंडियन टाइगर्स का टाइम का सब वो मस्ता, बहुत ही प्यारा स्प्रे से चोकर को यहां पर नॉकआउट करते हैं, हेड शॉट स्काउट इन हो गया, पर 11th गियर पिक अप कर लेगा उधर चोकर पर, रेड डॉट वाली स्प्रे ज्यादा फैनेटिक का टाइम की, हां स्कोप नहीं चाहिए बहुत, लेकिन आम जोन को भी वहां पर पिक अप किया जा सकता है, एक आखिरी गोली, ओ क्लोज था, 7 किल्स इस प्लेयर के पास है। ये चीज है लेकिन जिस दिन ट्रॉफी आ गई ना स्काउट के हाथ में भाई, वो बंदा रोएगा बहुत, रोएगा बंदा, क्योंकि उसने मेहनत की है भाई वहां तक जाने में।